नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना रेसिपी में। आज सूजी टोस्ट बनाने जा रही है, सूजी चीज़ वेजिटेबल टोस्ट। तो ये सूजी को मैंने एक कटोरी लिया है, उसमें 4 चम्मच दही डाला और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया। अब ये सूजी सॉफ्ट हो गई है, इसमें महीन महीन प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और इसमें ये हरा धनिया है, हरा धनिया सब इसी में डालूंगी। और चीज़ स्लाइस है मेरे पास, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसी में मिला दूंगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो उसको कद्दूकस करके डाल सकती हैं, कोई भी चीज़ डाल सकती हैं कद्दूकस करके, या चीज़ स्लाइस को छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर टोस्ट पे लगा के और उसको नॉन स्टिक पैन में आप हल्का हल्का तेल लगा के कुरकुरा सेक लें। बहुत ही 5 मिनट में बनने वाला स्नैक्स है, कोई मेहमान एकदम से आ जाए फटाफट आप सूजी टोस्ट का एक नाश्ता बना के तैयार कर सकती हैं। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैंने चीज़, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया सब सूजी में मिला दिया है और बहुत ही आसान और इजी स्नैक्स है। आप कभी भी जल्दी में हो या ब्रेकफास्ट में आपने कुछ रेडी नहीं है तो फटाफट घोलिए सूजी और उसमें सब कुछ मिला के और आप सेक लीजिए। तो इसको कैसे करना है मैं बता रही हूँ। जैसे ये ब्रेड ले लिया आपने, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, और ये मिक्सचर जिस पे खूब अच्छे से लगा दीजिए, हाँ, और तवे पे ऐसे जिस साइड से आपने लगाया है इसको पलट के और उस पर आप सेक लीजिए। और नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो उस पर आसानी से जैसे ये है ऐसे डाल देंगे और उसको करारा सेक। देखिए, ये सूजी के टोस्ट तैयार हो गए हैं, इसको आप पिज़्ज़ा कटर से काट के और सर्व कीजिए। देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है सूजी टोस्ट, सूजी वेजिटेबल चीज़ टोस्ट है ये, और उसकी वजह से बच्चों को बड़ा पसंद है। और उसमें आप चाहे जो वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, हमने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डाला है, आप कॉर्न डाल सकती हैं, गाजर कस के डाल सकती हैं, जो भी वेजिटेबल डालना चाहे डाल सकती हैं और गर्मा गर्म परोसें। एक बार बना के ज़रूर देखें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है। नमस्कार।